फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन माइंड्स एकेडमी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी अभ्यास सीरीज, जहां हम करेंगे अपनी इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे का क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा मैं कहते हैं आपका, इन व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर द बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। तो कौन सा अमेंडमेंट है वो, जहां पे हमने चारों को ऐड किया था इन आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन दे रखे हैं यहां पे आपको, फर्स्ट है 73rd अमेंडमेंट, एंड टू B is 92nd amendment, 3rd is 103rd amendment, 2018, and D is 101st amendment, 2016. Now try to answer it. Here the answer is option B, 92nd amendment. देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ना आपको इससे क्लियर भी नहीं है कौन सा अमेंडमेंट है, आपको याद नहीं है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो बहुत सिंपल दे रखे हैं, वो आपको पक्का बताना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है आपके। तो बात होगा जो ऑप्शन ए है 73rd, ये है रिगार्डिंग दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, वो आए थे बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट। फिर जो आपका है 103, ये न्यूज में क्यों रहा था, बिकॉज यहाँ पे आया था रिगार्डिंग दी इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में, जहां मिला था हमको कितना 10% का रिजर्वेशन। फिर एंड डी क्या आपका 101st, अब ये इतना फेमस क्यों है, वो यहाँ पे आया था इंडिया के लिए अपना जीएसटी, ठीक है ना। तो बसा कौन सा है आपका 92nd, आपको अगर पता भी नहीं है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो इसलिए, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, सही अमेंडमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग घड़ियाल के बारे में, पूछ रहे हैं कौन सा भी ट्रू स्टेटमेंट, ओके। फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घड़ियाल होते हैं उनका जो आपका आयुष्य स्टेटस है वो कैसा आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं आपके नेशनल चंबल सेंचुरी इज अ राइस प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ घड़ियाल, ओके। ऑप्शन क्या रखे हैं यहाँ पे आपको, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, एंड डी नाइदर 1 नॉर 2। नाउ ट्राई टू आंसर इट। हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। देखिए ये बिल्कुल सही है कि जिसका आपका स्टेटस आयुष्मान का वो कैसा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। बट जो आपका ये नेशनल चंबल सेंचुरी है जिसको बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ घड़ियाल, ये आपकी आती है इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आपकी आती है ओनली इन दी मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान का और हरियाणा का वहां पे कोई रोल नहीं होता, क्लियर है ना। और घड़ियाल की, ये घड़ियाल ना इंडिया में आपको मिलती है 3 स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल, ऑफ क्रोकोडाइल। तो फर्स्ट तो क्या होती है आपकी घड़ियाल, क्लियर है ना, जो भी देखा को न्यूज में भी। सेकंड है आपकी, वो आपकी है कहते हैं मगर क्रोकोडाइल, कहते हैं आपका मगर क्रोकोडाइल। थर्ड है आपकी, वो है आपकी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये 3 स्पीशीज हैं क्रोकोडाइल की जो मिलती है हमको इंडिया के अंदर, क्लियर ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये पूछ रहा है कि फेम स्कीम के बारे में, इसमें से कौन सी है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, किसके बारे में फेम स्कीम। ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे आपको, स्टूडेंट स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, सी यहाँ पे पूछ रहा है आपको इनकरेजमेंट टू ट्रेडिशनल इवेंट स्पोर्ट, डी यहाँ पे कह रहा है हेल्थ सेक्टर। ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये फेम स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है आपका, वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लियर है। ये है फुल फॉर्म आपकी फेम स्कीम की। अब देखिए जो फेम स्कीम है लॉन्च कब हुई थी आपकी, जो आपका फेम का पार्ट 1 है, ये लॉन्च हुआ था इन 2015 में, ठीक है। और अगर हम बात करें जिसका फेम 2 जो अभी आया है, ठीक है, ये हमने लॉन्च अप किया है इन 2019, कब तक आपका 2024 तक। अल्टीमेटली इसका एम क्या है, जो हमारी गाड़ियां हैं, कार होगी, बाइक्स होगी, उनको हम क्या करते शिफ्ट कर दें टूवर्ड द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है ना। यानी कि पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं वो हो जाए आपकी खत्म। तो ये स्कीम है, ये जो इसका एम है अंडर द फेम स्कीम, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका पास होगा, बी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लियर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ये पूछ रहे हैं क्या होता है आपका ब्लू कार्बन। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पे कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, बी यहाँ पे कह रहा है कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, सी यहाँ पे कहता है कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड डी इज कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नाउ ट्राई टू आंसर इट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये नाम से पता है आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कार्बन कंटेंट बाय ओशियंस एंड कोस्टल सिस्टम, यानी जितना आपका मरीन सिस्टम है ओशंस हो गए लेक्स हो गए वो क्या करते हैं स्टोरेज ऑफ कार्बन, उसमें क्या करता है ब्लू कार्बन, ठीक है। और हाँ आपने ये बात याद रखिएगा, जितना भी कार्बन स्टोर्ड है इन मरीन इकोसिस्टम यानी कि पानी के अंदर, वो क्या है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन स्टोर्ड इन द टेरिटोरियल फॉरेस्ट, इन द टेरिटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। अभी ओशंस में रिवर्स में लेक्स में क्या है ज्यादा है कार्बन स्टोरेज, ठीक है, जब कहते ब्लू कार्बन। नाउ देखते क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हमें पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका NHRC, कह रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पूछ रहे हैं कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहाँ पे कह रहे हैं चेयरपर्सन ऑफ NHRC शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पूछा है कौन सी है आपकी उनसे थर्ड स्टेटमेंट, ऑप्शन देखिए आपको वन ओनली टू ओनली बोथ डी मतलब नॉट टू, ट्राई टू आंसर इट, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे गलत क्यों है आपका, बिकॉज ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट बॉडी नहीं है, ये क्या है आपकी इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, क्लियर है। अब देखो जहां तक बात है इसके चेयरपर्सन की, ये बिल्कुल सही है, इसे चेयरपर्सन कौन होंगे आप पे, या तो एक होंगे रिटायर्ड इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सी बॉडी की, तो बॉडी में कितने लोग होते हैं आपके, यहाँ पे होते हैं एक होता है चेयरमैन, बस यहाँ पे होते हैं आपके फोर मेंबर्स, और कितना होता है टेनोर, वो आपका होता है या तो आपका होगा 3 साल की सर्विस या फिर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 70 ईयर्स ऑफ एज, ये क्राइटेरिया है इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा बी ली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये आप पूछे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गैंगेस डॉल्फिन, तो कौन सी इनमें से अभी इनकरेक्ट रिगार्डिंग गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बी यहाँ पे कह रहा है इट इज फाउंड थ्रू आउट द गैंगेस ब्रह्मपुत्र मेघना एंड संगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश, सी यहाँ पे कह रहा है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थी एक्वेटिक सिस्टम, एंड डी यहाँ पे कहता है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाउ ट्राई टू आंसर इट, अब देखिए ये जो एनिमल है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है आपका गिल डॉल्फिन, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। पर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो फिर कैसे समझो इसको, ये सही है कि ये क्या है आपका एक्वेटिक एनिमल है, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड भी क्या है, ये मिलता कहां पे आपको गंगा तो मेघना में, ये भी एक करेक्ट है आपका। थर्ड भी क्या है कि हाँ अगर दिख रहा है इट मींस क्या है आपका हेल्दी है आपका एक्वेटिक सिस्टम, चाहे आपका रिवर है लेक है जो भी है, फाइन। एंड ऑल्सो डी क्या आपका ये यहाँ पे है गलत, तो ये हमारा क्या है पूछा गया इंटरेक्ट, आंसर विल बी डी। अब देखो जो इतना हमारा इम्पोर्टेंट एक स्पीशीज है हमारे इंडिया का एक नेशनल एनिमल है, तो ऑब्वियसली इतना इम्पोर्टेंट है तो कहाँ रखेंगे उसको, इन दी शेड्यूल वन, ठीक है, नॉट इन 3, ये कहाँ पे है शेड्यूल वन में है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, गलत है आपका, क्लियर। नाउ 7 यहाँ पे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी ARC, अब देखिए यहाँ वो आइडिया नहीं भी है कि ये सेबी का है किसका है, तो सिंपल सी बात है
अगर बात हो रही है बैंक की तो बैंक करते हैं रिटर्न अंडर द आरबीआई, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेबी गवर्नमेंट आपका नहीं होने वाला, इट मीन क्या है आपकी इनकरेक्ट या सी होते हैं रिटर्न अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपका कि ये क्या है, ऐसा एक हमारे फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं स्पेशलाइज, इधर काम क्या होता है बैंक की हेल्प करना, उनके एम्प्लॉइज को कम करने का। क्लियर है नाउ अपने क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछते हैं यहाँ पे गोंड कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। अब जो कम्युनिटी है कहाँ पर स्प्रेड रखी है आपकी, पूछा है आपसे कौन स्टेट्स हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ ट्राई टू आंसर इट, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए गोंड कम्युनिटी क्या है, ना कि इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की क्या है, ये लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, मतलब ये मिलती है हमको छेड़ बहुत सारे हैं इसके, एमपी हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें कहाँ मिलते हैं आपको आपकी गोंड कम्युनिटी। क्लियर है नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव फॉर्मल रिलेशन विद इजराइल एज अ पार्ट ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड। ओके यहाँ पे आपको यूएई, जॉर्डन, सुडान, एंटीज, मोरक्को, और ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी जॉर्डन, ठीक है। अब देखिए इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं है आपकी इस्लामिक कंट्री के साथ, लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप यूएसए ने क्या किया, एक इनिशिएट किया आपका अब्राहम अकॉर्ड। तो क्या हो सकेगा, जितने भी आपके इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके रिलेशन अच्छा हो जाए फिर इसराइल से, ठीक है। तो उसके अंडर, इसके अंडर अब्राहम अकॉर्ड के अंदर कंट्रीज लाइक आपकी यूएई, ठीक है, यानी बहरेन, सुडान और आपका मोरक्को, इन्होंने क्या है अपने बना लिए हैं फॉर्मल रिलेशन विद इजराइल। जॉर्डन अभी तक इसका पार्ट नहीं बन पाया है, तो ठीक है यहां पर कौन सा पार्ट नहीं है, तो आंसर इज जॉर्डन ऑप्शन बी। क्लियर, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ लिथियम करंटली। कौन सी कंट्री में है वर्ल्ड का हाईएस्ट लिथियम डिपॉजिट, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली एंड डी यूएसए। ट्राई टू आंसर इट, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए बोलीविया। देखिए बोलीविया कहाँ पे आता है, ये आता है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पे क्या है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लिथियम के डिपॉजिट। अब देखिए लिथियम का काम क्या होता है, ये आपका बनाने का काम आता है बैटरीज, आपकी लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, चाहे आपका यू नो स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपकी इलेक्ट्रिक कार्स हो, समय लेते हैं बैटरी, बैटरी बनती किससे आज टाइम आपकी लिथियम से, ठीक है। तो ये था हमारे 10 क्वेश्चंस, आप इनको और पढ़िएगा और जानेंगे बारे में, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।